फ्रेंड्स, फिर से एक बार है परी फिश एक्वेरियम में और हमारे साथ में है आरिफ भाई, हम सबके चाहते। तो आरिफ भाई, आपके फिश का स्टॉक नया कुछ आया अभी? नए फिश में एनी टाइम शॉप के अंदर कोशिश रहती है कि नया लाने के लिए, तो हर बार कुछ ना कुछ नया चेंज करते रहते हैं। इंशाल्लाह अभी कुछ दिनों में नई दुकान आने वाली है, परी एक्वेरियम 2 आने वाली है, नई 2 ब्रांच है, सेकेंड ब्रांच, तो आप लोग को देखने के लिए वो भी मिलेगा। स्टार्टिंग में आप देखो, अभी काम चल रहा है थोड़ा सा शॉप का, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्टार्टिंग बेटा फिश से करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट में बेटा फिश के अंदर मेरे पास प्लकाट वगैरह है, एलिफेंट या प्लकाट है, और फीमेल्स भी प्लकाट की अवेलेबल है, और नॉर्मल में मूनटेल में भी फीमेल्स है मेरे पास, तो आपको देखने के लिए मिलेगी। मैं यहाँ पे आपने रखी है शायद ये एलिफेंट ईयर की फीमेल्स है इसमें, ये वाली, और यहाँ पे जो एलिफेंट ईयर का बड़े कान में प्लकाट है ये। ओके, बहुत ही प्यारा दिख रहा है अरे भाई ये थोड़ा सा एक्जोटिक वराइटीज में आता है लोग प्लकाट, एक्चुअल नॉर्मल पब्लिक को पता है वाइल्ड में आता है ये, तो इसके अलावा यहाँ पे इसके जो डम्बो ईयर है ये बड़े कान वाले, तो ये भी एक टाइप से, तो ये पब्लिक को दिखाने के लिए लाया गया नया वराइटी। यहाँ पे फीमेल्स है प्लकाट की, काफी लोगों की रिक्वायरमेंट होती है जो ब्रीड करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है। अगर आप प्लकाट ब्रीड करना चाहते हो तो आपके लिए फीमेल काफी अच्छी है ये, और फीमेल आप इसको ब्रीड कर सकते हैं मेल के साथ में। बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में भी है, तो इसका क्या प्राइस है भाई? ये 250 पर पीस पड़ेगा आपको फीमेल लेके, तो ये 250 रुपीस। यस, तो आरी भाई, मेल फिश का जो मेल फाइटर फिश का जो कलेक्शन है वो यहाँ पे आपका है ना? हाँ, ये मेरा जो फर्स्ट है, ये जो मेरा कप्पा है जो फाइटर्स का बेटा फिश का, तो इसके अंदर मैं वैरायटीज रखता हूँ, तो काफी सारे वीडियोस में बताया। ये गैलेक्सी में आता है मोंटे। ओके, ये का वैरायटी में, तो मैं आप लोग को प्राइस बता दूंगा इन लोग के भी वीडियो के चलते हुए। तो ये जो है गैलेक्सी में आप लेंगे, ये वाला वैरायटी जो ऊपर के टैंक्स में है, यहाँ पे देखेंगे आप साइड में, तो ये वाला आप लेंगे तो 250 पर पीस पड़ेगा आपको गैलेक्सी में मूनटेल लिए। ओके, इसके अलावा यहाँ पे प्लकाट की वैरायटी एलिफेंट ईयर है, जैसे कि प्लकाट काफ़ी लोगों को पता है, प्लकाट एक वाइल्ड में आता है फाइटर्स में, तो उसके अंदर प्लकाट है ये, तो आप ये लेंगे तो आपको 400 पर पीस में आएगा। 400 में, और अभी भाई यहाँ पे ये, इसके अलावा दूसरा प्लकाट है कैंडी में, ये वाला बड़ा साइज का है थोड़ा सा, तो ये भी आपको 400 के पर पीस में आएगा। ये 400 रुपीस पर पीस, रेड प्लकाट है ये वाली वैरायटी, तो ये वाला आपको 350 में पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है मूनटेल है, ये वाला 150 में पड़ेगा आपको। 150 में आ जाएगा ब्लू कलर की। okay. तो इसको मस्टर्ड गैस बोला जाता है, ब्लैक में भी आता है, कोई ब्लू डार्क ब्लू में आता है, ग्रे कलर में आता है। हाँ। तो ये आपको 150 पर पीस पड़ेगा। इसके अलावा हाँ, जितना भी मूनटेल्स आप लेंगे तो 150 पर पीस पड़ेगा आपको। और ये वाला जो है ये भी मूनटेल में आता है, मूनटेल जो है टाइप्स होता है फाइटर्स का, तो ये आपको सब 150 के रेंज में मिलेंगे मूनटेल्स की वैरायटी लेके। तो इसके अलावा मेरे पास फीमेल्स भी है मूनटेल्स में, मैं तो ही बताऊंगा आपको वीडियो के अंदर। तो ये वाली फीमेल भाई, ये फीमेल्स है एडल्ट में है, ये बड़ा साइज का फीमेल है, और इसके अलावा छोटा साइज का फीमेल भी अवेलेबल है। तो ये जो है मतलब एक ब्रीडिंग पर्पज़ में यूज़ करने के लिए फीमेल अच्छा साइज का है, तो ये आप लेंगे तो 150 पर पीस में आपको पड़ेगा, 150 में। यस, मूनटेल का क्या होता है कि इसका जो शेप होता है, टेल होता है, काफ़ी लोगों को लगता है कि इंडियन फीमेल जो होती है लोकल में, उन लोग के इतने टेल खूबसूरत और कलर नहीं होते, तो वो हिसाब से लोग कलर और ब्यूटी और साइज वगैरह परफेक्ट है लोग का, तो आपको 150 रुपये पर पीस में आपको ही मिलेगा। सॉरी भाई, ये वाली है, ये फीमेल से छोटे साइज की थोड़ी सी नानो, तो ये आपको मिल जाएगी 100 रुपीज पर पीस के हिसाब से। 100 रुपीज पर पीस के हिसाब से मिल जाएगी, थोड़ी छोटी साइज है थोड़ा, मगर फीमेल से ही है, काफी थोड़ा टाइम लगेगा इसको ब्रीडिंग पर्पस के लिए, तो ये आप इसको भी ले सकते हैं। इसके अंदर कलर वेरिएशन थोड़ा सा अच्छा है एक टाइप से, तो ये 100 रुपीज इच में आपको मिलेगा ये। सॉरी भाई, एज यूजुअल आपके पास में डिस्कस फिश का बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन होता है, तो इस बार भी कलेक्शन आपके पास में दिख रहा है, तो ये जो डिस्कस है इसका क्या प्राइस है यार भाई? ये भाई 3 इंच प्लस साइज है इन लोग का, तो ये आपको 1500 रुपये पर पीस में पड़ेगा, 1500 इंच में। okay. तो ये थोड़ा सा सेट मच्छी है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही प्यारा एक्टिव भी है, और थोड़ा सा अच्छा भी मच्छी है ये थोड़ा सा। और थोड़ा सा क्लाइमेट खराब होने की वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आया रहेगा डिस्कस के अंदर, तो मैं बता देता हूँ आप लोग को, हीटर लगा ले, नमक डाले, ग्रीन लिक्विड यूज़ करे थोड़ा सा, तो मच्छी थोड़ा सा थोड़ा सा स्ट्रेस में गया रहेगा, या फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, या तो आप टेट्रासाइक्लिन वगैरह या पैराक्सिन वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं एंटीबायोटिक में। ये बहुत ही प्यारा दिख रहा है हरी भाई, इसमें छोटे साइज में भी है अपने पास? मेरे पास आप लोग को वीडियोस के अंदर पता है 2.5 इंच का साइज है, 4 इंचेस का साइज है, तो आप लोग को वीडियो में पता भी देखे रहेगा आप लोग ने, तो लोग के समथिंग 2.5 इंच का 600 रुपये पर पीस है, और आप बड़ा साइज लेंगे तो आपको 4 इंचेस का साइज में मेरे पास 1700 रुपये पर पीस है।
तो अरी भाई आपके पास में अरवाना का भी कलेक्शन दिख रहा है। ये अरवाना सिल्वर अरवाना है, इसका साइज मिनिमम चेंज प्लस है थोड़ा सा, तो ये इसका प्राइस रहेगा 800 रुपये पर पीस। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी प्राइस अप डाउन होते रहते हैं, तो फिलहाल अभी एज इट इज में इसका प्राइस 800 रुपये चल रहा है। आप जैसा साइज लेंगे वैसा आपको प्राइस मिलेगा। स्मॉल साइज लेंगे तो आपको अलग प्राइस लगता है, थोड़ा इससे बड़ा लेंगे तो अलग प्राइस लगता है, डिपेंड ऑन द साइज। तो अरी भाई इससे छोटा साइज भी है अपने पास? इसका छोटा साइज इससे कम साइज का मिनिमम 3-3.5 इंच का साइज में आएगा 500 रुपये में, आपको 500 में वो भी मिल जाएगा। नया स्टॉक आने वाला है तो आते रहेगा, और आपको फिशेस अगर चाहिए रहेगी तो आपको मिलेगा छोटा स्मॉल साइज का। और एक लोग आप लोग को बता देता हूँ, अगर आप सिंगल पीस लेना चाहते हो, बाय करना चाहते हो, तो अगर आप कहीं भी मतलब इंडिया में कोई भी स्टेट में हो, तो आप एक बात ध्यान में रखें, आपको ट्रांसपोर्टेशन देना ही पड़ता है। मुझे एक फिश का भी उतना ही ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ता है जितना 10 ले गए आप, उतना ही एक बॉक्स में जितना लगता है वो। तो आप एक बात ध्यान में रखें, अगर आप मंगाना चाहते हो तो कम से कम 6 पीस, 4 पीस या 5 पीस मंगा ले तो थोड़ा सा बेस्ट रहेगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। और आरी भाई अरवाना में और अपने पास में कुछ वैरायटीज है? अरवाना की अभी फिलहाल हाईबैक पड़ा हुआ है मेरे पास, एक पीस है ये वाला है क्या आरी भाई? ये वाला हाईबैक है। इससे पहले भी मेरे पास हाईबैक थे, थोड़ा सा सेल हो गया, अभी फिलहाल एक पीस पड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में नए अरवाना मलेशियन में आपको आने के चांसेस है मेरे पास, और अगर आप ऑर्डर देना चाहते हैं तो मेरे पास वो भी अवेलेबल हो जाएगा, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप अगर आप ऑर्डर करेंगे तो जैसे कि ब्लू बेस हो गया, गोल्डन हेलमेट हो गया, या फिर 24 कैरेट क्रॉसबैक हो गया, सुपर एग चिली, रेड चिली, आपको जो भी वैरायटी चाहिए आपको मिल जाएगा। हाँ। इंशाल्लाह दुकान नई जो ले रहा हूँ उसके अंदर रखने के लिए जगह होगी, तो वो हिसाब से आपको अरवाना सब साइज के मिल जाएंगे और सब टाइप्स के आपको अरवाना इंशाल्लाह मिल जाएंगे। और आज भी इसका क्या प्राइस है? ये आपको 8,500 रुपए में आएगा, मलेशिया फार्म का है ये, इंडोनेशियन फार्म का, तो सर्टिफिकेट के साथ है, 1,500 में आएगा आपको। और आरिफ भाई अपने पास में ऑस्कर भी है, सुपर रेड ऑस्कर है ये वाला, सुपर रेड ऑस्कर है, इसका क्या प्राइस है? 250 पर पीस है ये मेरे पास। हाँ, बहुत लिमिटेड स्टॉक है मेरे पास ये, तो काफी लोगों को। इसके अंदर मोजेक टाइगर है अल्बिनो, और इसके अंदर टाइगर भी है ब्लैक वाला, और इसके अंदर मेरे पास सुपर रेड भी है। तो मैं आप लोग को बता दूंगा वीडियो के चलते हुए ये बात कि भाई मेरे पास बहुत लिमिटेड स्टॉक होता है सुपर रेड का। क्या होता है कि मेरे पास जैसे आता है वैसे फट से सेल हो जाता है, तो प्लीज़ अगर आपको चाहिए रहेगा तो फास्ट जरा जब मंगाइए, ताकि कम होता है फिर बाद में मैं दे नहीं पाता, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। काफ़ी लोग के कॉल भी आते हैं कि भाई पीस चाहिए, तो थोड़ा बता देता हूँ, आप जल्दी से प्लीज़ लीजिए, थोड़ा स्टॉक कम होता है मेरे पास। और आरी भाई इसमें भी डिफरेंट वैरायटीज दिख रही है ऑस्कर फिश की? ऑस्कर की इसके अंदर 4 टाइप की वैरायटी है, फायर रेड है, अल्बिनो टाइगर है, कॉपर और टाइगर है इसके अंदर। तो मैं आप लोग को बता दूंगा, ये इसका साइज रहेगा मिनिमम 3 इंच का साइज है, तो आपको ये पड़ेगा 450 पैर, 450 रुपीज पैर पैर में आपको पड़ेगा ये, साइज 3 इंच का रहेगा इसका। तो आप इसको ले सकते हैं, इसके अंदर काफी सारी 4 टाइप की वैरायटी इसके अंदर। तो आरी भाई कछुआ भी है अपने पास में? यहाँ पे मेरे पास अमेरिकन रेडियर्स अवेलेबल होता है डे टाइम, और इंशाल्लाह कुछ दिनों में आपको एक्जोटिक टर्टल भी देखने के लिए मिलेंगे शॉप के ऊपर। नई शॉप के अंदर इंशाल्लाह थोड़े से अलग वैरायटी में इंपोर्टेड के टर्टल रखने का इरादा चल रहा है, तो वो भी ऑर्डर किया हूँ, इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे। अभी भाई इसका क्या प्राइस है? अभी ये समथिंग 500 रुपये पीस चल रहा है, 500 इंच में ये इसका प्राइस अभी चल रहा है फिलहाल। हाँ, 1,000 रुपीज़ पैर में इसका प्राइस चल रहा है फिलहाल अभी, रेडियस अमेरिकन रेडियस स्लाइडर ये। सॉरी भाई फ्लो हॉर्न का आपके पास में ऑलवेज बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन होता है, तो इस बार भी कलेक्शन दिख रहा है आपके पास में फ्लो हॉर्न में? इससे पहले भी मेरे पास दूसरी वैरायटी थी, ये थोड़ा सा मॉन्स्टर कॉक का वैरायटी है मेरे पास, तो आप लोग को ये देखेंगे वीडियोस में। मॉन्स्टर कॉक है 2,500 रुपीज़ में आपको पड़ेगा, काफ़ी अच्छा वैरायटीज है, इसका कलर भी काफ़ी ब्राइटनेस है, और बहुत सारी वैरायटीज है मेरे पास अभी फिलहाल में तो पीस पड़े हुए। अरे भाई यहाँ पे भी फ्लोहॉर्न का कलेक्शन दिख रहा है आपके पास, ये कौन से टाइप के फ्लोहॉर्न? ये फ्लोहॉर्न है, ये भी थोड़ा अच्छे क्वालिटी के छे यहाँ पे, तो आप देखेंगे इसका 2,000 पर पीस में आपको पड़ जाएगा ये। ओके, ये कम में आ जाएगा थोड़ा सा, थोड़ा सा इसके अंदर होता है ना कि थोड़ा सा अलग टाइप्स होता है थोड़ा सा, तो थोड़े से प्राइस ज़्यादा होते हैं, जैसे परचेसिंग भी डिपेंड है, मैं भी जिस तरह से बाय करता हूँ तो मुझे टाइप्स वाइज खरीदता हूँ, तो वैसा अलग अलग टाइप्स के मेरे को आते हैं फ्लोरन, तो ये आपको 2,000 रुपये पर पीस पड़ेगा। अरे भाई फ्लोरन में अपने पास बेबीज भी रहते थे, अभी है अपने पास? हाँ, बेबीज है, शॉर्ट बॉडीज वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। अरे भाई ये वाले बेबीज है? हाँ, ये फ्लोरन के बेबीज है, आपको 150 इंच में आएगा ये, 150 रुपये पर पीस। और इसमें हेड वगैरह है ऐसा कुछ? एक्चुअल क्या होता है, लोग अगर कॉमन में है तो हेड इतना शो ऑफ नहीं करते, अगर आप ये सेपरेट रखेंगे तो इंशाल्लाह इसको हेड आता है। जैसे आपने इसमें सेपरेटली रखा हुआ है, ये अलग टाइप्स के है, ये शॉर्ट बॉडी फ्लावर हॉर्न है। ओके, इनका क्या प्राइस है? ये 500 रुपये पर पीस पड़ेगा, 500 रुपीज पर पीस। यस, और इसमें से कोई भी बाय करो
शॉर्ट बॉडी में आप कुछ भी ले सकते हैं, आपको 500 रुपये पर पीस में पड़ेगा। हेड दिखता है लोग, ये कैमल में आता है एक्चुअली। ये वाला जो फ्लोरन आप लेंगे तो आपको ये पड़ जाएगा 1500 रुपये पर पीस, 1500 रुपीस ये वाला। इसके अलावा यहाँ पे लेंगे आपको ये वाला फ्लोरन पड़ेगा 2000 में, 2000 रुपीस में। यस। और सबसे बड़ा जो फ्लोरन है आपके पास में, इसका क्या प्राइस है? ये वाला फ्लोरन एक्चुअल आपको पड़ जाएगा 2000 रुपीस में। बिगर साइज है और थोड़ा एक्टिव ज्यादा है, वो काफी खूबसूरत है, बहुत ज्यादा एक्टिव और बहुत बड़ा है यार ये। सब्सक्राइब फिशेस एंड प्लांट्स सो यू कैन सी अवर अपकमिंग वीडियोस। अरे भाई ये जो पैरेट फिश है इनका क्या प्राइस है? ये 8 सेंटीमीटर का पैरेट है, ये बता देता हूँ। ए ग्रेड का पैरेट है ये। इसके अंदर टाइप्स होते हैं, बी ग्रेड, ए ग्रेड आता है इसके अंदर। साइज रहता है 6 सेंटीमीटर बोले तो 2 इंच का साइज रहेगा, और 8 सेंटीमीटर बोलेंगे तो 3 इंच का साइज रहेगा। साइज भी बता देता हूँ, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई इसका प्राइस तो इतना चल रहा है उतना चल रहा है, तो साइज भी इसका प्राइस होता है। अगर स्मॉल साइज का 6 सेंटीमीटर का चाहिए तो आपको प्राइस अलग लगेगा, और आप 8 सेंटीमीटर का लेना चाहते हो तो प्राइस अलग लगेगा। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, रेड पैरेट जो है आपको 700 पैर में आएगा, और येलो वाला लेके 750 पैर में आएगा आपको। इसके अलावा इसके अंदर पिराना से मेरे पास अवेलेबल है वहाँ पे पीछे की साइड में, okay. वो पिलाना आपको 150 पैर में आ जाएगा, 75 ईच में आएगा आपको। और ये पैरेट के साथ रख सकते हैं अपन? हाँ, पैरेट के साथ में मैंने कम्युनिटी टैंक में रखा हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या वैरायटी। मैंने प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे शिवरम है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये शिवरम है, शिवरम का साइज मिनिमम रहेगा मेरे हिसाब से 3.5 इंच का साइज है, आपको पड़ेगा 400 रुपये पर पीस में। ये 400 रुपीज में, इससे पता चलता है कि ये वाली फिश हम एक साथ रख सकते हैं। ये एक टैंक है कि अगर बंदा रखना चाहता है पैरेट पाल रहा है या फिर कुछ अलग वैरायटी उसके पास है, अगर आप इसके अंदर ऑस्कर रखना चाहते हो थोड़ा बड़ा साइज का ऑस्कर रख के मिनिमम, तो आपने ये रखा हुआ? हाँ, मिनिमम एक 7-8 इंच का ऑस्कर आप रख सकते हैं पैरेट के साथ। भाई टेट्रा फिश का तो बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन लाया आपने इस बार, ये क्या प्राइस है इसके? ये पिंक वीडो है, आपको पिंक वीडो डजन मिलेगा तो 500 रुपीज डजन में आएगा आपको, ओनली फॉर पिंक कलर इसमें। यस। और इसके अंदर सियामी एलिगेटर है, वो वाला आप लेंगे तो 50 रुपीज ईच में आएगा, अगर आप डजन में लेंगे तो आपको 500 रुपीज डजन में आएगा। इसके अंदर चाइनीज एलिगेटर भी है और कॉरीज भी है, ग्रीन कॉरी है ये, तो ये ग्रीन कॉरी आपको 75 पर पीस पड़ेगा, 75 रुपीज पर पीस। कॉरी एक्चुअल कैटफिश होती है, आप लोग को बता देता हूँ मैं, और कॉरी कैटफिश जो होती है ये एल्गी वगैरह नहीं खाती है, बॉटम ईटर है ये, जमीन पे जो वेस्टेज फूड है वो खाती है ये मच्छी। इसके अलावा चाइनीज एल्गी ईटर है मेरे पास यहाँ पे, ये वाला वाइट वाला जो ककड़ी खाता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप वीडियो में आपको नजर आ रहा है ककड़ी खा रहा है ये, क्योंकि क्या होता है कि टैंक के अंदर अगर एल्गी ना हो तो उन लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा और वो सूखना चालू हो जाएगी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मच्छी को खाने को मिलना चाहिए, तो वो हिसाब से आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। तो आप लोग को बता दूंगा, ये आप डजन में लेंगे तो 500 डजन है, अगर आप पेयरिंग में लेंगे तो आपको 50 रुपये पर पीस के हिसाब से आएगा, 50 रुपये पर पीस। यस, डिवाइड करके है ना थोड़ा। ये वाले कौन से फिश है? यहाँ पे रेम्बोस की वैरायटी, नियॉन रेम्बो है ये, नियॉन रेम्बो आप डजन मिलेंगे तो आपको 500 रुपये डजन में पड़ेगा। ये नियॉन रेम्बो साइज अच्छा है इसका, मिनिमम इसका 1.5 इंच का साइज है नियॉन रेम्बोस का, okay. और इसके अंदर अलावा नीचे यहाँ पे सियामीज एंड चाइनीज एलिगेटर है, सेम प्राइस है जो बताया वीडियोस में। तो ये रेम्बोस की वैरायटी आप इसको प्लांटेड टैंक में यूज कर सकते हो, गोल्ड फिश के अंदर भी रख सकते हो आप इसको, आप आपके कोई भी टेट्रास की वैरायटी में आप इसको रख सकते हो, अगर आप डिस्कस के साथ में रखना चाहते हो तो भी आप नियॉन रेम्बोस को रख सकते हो। यहाँ पे फाइटर फिश भी दिख रहा है, इसके साथ भी रख दिए? यस, फाइटर फिश चलता है उसके साथ में, ये कैंडी का फीमेल है येलो में गोल्डन का। अरे भी ये नया फिश दिख रहा है, ये पफर फिश है, स्मॉल साइज का 1 इंच का साइज है लोग का, तो ये इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 75 ईच में पड़ेगा, ये पफर है 75 रुपीज। यस, छोटा मच्छी है, आप इसको पफर को नॉर्मली शार्क वगैरह के साथ में भी रख सकते हो, या फिर आप गुरामीज या फिर आपने मोनो एंजल या स्कैट वगैरह रखा हो, मगर ये एक्चुअल ब्रैकिश वाटर की फिश है तो इसको नमक डालना जरूरी है, तो आप इसको गोल्डफिश के साथ में नहीं डाल सकते, तो टेल वगैरह निप करेगा, ध्यान रखें टेट्रास के साथ में नहीं चलता है। आप अगर शार्क वगैरह के साथ में, डॉलर वगैरह के साथ में आप इसको पालना चाहते हो तो आप इजीली पाल सकते हैं इसको। और अभी भाई ये वाला जो फिश दिख रहा है, ये अंदर कैलिगो, इसको बोलते हैं कैलिगो, एक टाइप्स होता है गोल्ड फिश के अंदर का, कैलिगो मीन्स उसका शेप होता है, रुंकिंग कैलिगो बोलते हैं इसको, रुंकिंग में भी आता है, शुभम की रुंकी कोई बोलता है इसको। इसके अलावा ये रेड एंड वाइट रेड कैप है, इसके अंदर वरांडा गोल्ड है, इसके अंदर ब्लैक वरांडा, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं, इसका प्राइस मैं बता देता हूँ आपको 350 पैर में पड़ेगा आपको, 350 रुपीज पैर कोई भी बाय करो इसमें से। यस, तो इसके अंदर में ये दिख रहा है मोनो एंजल, ये मोनो एंजल है, मोनो एंजल एक्चुअली इसलिए डाला जाता है कि बॉडी के ऊपर लीच आया हुआ है गोल्डफिश के, तो आप ये लीच खा देता है बॉडी के ऊपर का, okay. अगर आपके गोल्डफिश को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक मोनो एंजल छोटा सा इसका या डाल सकते, आपका टैंक साइज के हिसाब से आप डाल सकते, तो ये खाता है। तो इसके अंदर बाजू का टैंक का स्कैट और मोनो एंजल का टैंक है, ये मेरा बाजू वाला ब्रैकिश वाटर का, तो इसको नमक डालना जरूरी, थोड़ा सा ध्यान रखें। स्कैट का प्राइस आपको पड़ेगा 125 पर पीस में पड़ेगा आपको, 250 पैर। इसके अलावा यहाँ पे मोनो एंजल जो है
बिगर साइज का है, मिनिमम 3 इंच का साइज का मोनो इंजल है आपको 200 पीस पड़ेगा 200 इंच में। ओके, इसके अलावा फ्लोरन शॉर्ट बॉडी आपको नजर आ रहा है इसके अंदर। काफी लोग का सवाल होता है कि भाई फ्लोरन के अंदर कौन सी मच्छी रहती है, तो ये आपके सामने नजर आ रहा है वीडियो के अंदर आप देख सकते हो। तो ये जो मच्छी है फ्लोरन, आप इसके अंदर बड़ा साइज का भी डाल सकते हो, आप इसके अंदर 6-8 इंच का भी फ्लोरन डाल सकते हैं मोनो के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। साथ में मैंने काफी टाइम रखा हो, काफी सारे वीडियोज में भी देखने के लिए मिला आप लोगों को। तो ये 400 पैर एंड 250 पैर शॉर्ट बॉडी आप ले गए तो आपको 500 रुपीज पीस में आ जाएगा। और इसके बाजू में भी दिख रहे हैं अभी, तो इसके बाजू में गोल्डफिश की वैरायटी है, थोड़ा सा हटके है, थोड़ा इसके अंदर ट्रायो कलर में है, काफ़ी अच्छा है, रुंकिंग गोल्ड है, कैलिको है इसके अंदर थोड़ा सा, और कॉमेट गोल्ड भी है जो लंबा टाइप का होता है, कॉमेट गोल्ड है ब्लैक, हाँ लंबा टाइप का, थोड़ा इसके अंदर कलर शेड जरा अच्छे होते हैं थोड़े से, जैसे कि रेड एंड वाइट है, गोल्डन काफ़ी कलर अच्छे। ये चार्ली चॉपलिन है, ये जो है काफी मेरे पास अभी अवेलेबल, तो इन लोग का प्राइस आपको 400 पेयर पड़ेगा, 400 रुपीज पेयर। कोई भी बाय करो आप इसके अंदर से कुछ भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्डफिश की, मेरे पास जो नॉर्मल गोल्डफिश, मीडियम गोल्डफिश है, यहाँ पे शुभम कीन है वेलटेल में, यहाँ पे ब्लैक मोर है, इसको ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है, ब्लैक मोर भी बोला जाता है। तो ये इन लोग का प्राइस मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये वाला आपको शुभम कीन जो वेलटेल में है आपको 100 रुपीज पैर में मिलेगा ये वाला आपको। इसके अलावा यहाँ पे गोल्ड फिश है 80 रुपीज पैर में है, ब्लैक गोल्ड लेंगे 100 रुपीज पैर में आपको आ जाएगा ये। ओके, और इसके साइड में जो है कोई फिश, यहाँ पे कोई है, मिल्की कोई है, और यहाँ पे मतलब स्पॉटेड कोई बोला जाता है इसको, गोल्ड एंड ब्लैक कलर में, और इसके अंदर गोल्ड भी कोई है इसके अंदर मिक्स में, तो आपको 40 रुपीज इच में आ जाएगा ये। 40 रुपीज यस, आप अगर डजन में लेना चाहते हैं तो आपको 450 रुपये डजन में मिल जाएगा। 450 रुपये डजन, यस। तो अरे भाई इसमें बड़े साइज में भी जो हमारा कोई फिश है वो दिख रहा है, उसका कैसे प्राइसेस है? ये आपको इसके अंदर जो है बड़े वाले कोई जो है, ये जो बिगर साइज के, ये आपको पड़ जाएगा 800 रुपये पैर में, और छोटे वाला जो आप मीडियम लेंगे तो आपको पड़ जाएगा ये वाला 300 रुपीज पैर में। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा यहाँ पे टिम्पॉइल 100 रुपीज पैर है, सिल्वर टिम्पॉइल, यहाँ पे आप अल्बिनो टिम्पॉइल लेंगे 150 पैर है, इसके अंदर शार्क्स है, यहाँ पे ब्लैक शार्क है, व्हाइट शार्क है, ये वाला आपको 100 रुपीज में पैर मिल जाएगा। तो आरी भाई टेटा फिश का ऑलवेज आपके पास में बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन होता है, तो इस बार भी बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन दिख रहा है। ये कौन से टाइप का टेटा है? ये वीडियो टेटा है कलर में, आपको इसके अंदर 3 टाइप्स के कलर मिलेंगे, एक येलो मिलेगा, ग्रीन मिलेगा, ब्लू कलर का शेड है इसके अंदर ये, और काफी अच्छी थोड़ा सा सेट मच्छी है। आप लोग एक बार ध्यान में रखें, अगर फिश बाय करते हो आप कहाँ से भी बाय करते हो, तो मच्छी का मेन कंडीशन देखे, आप पैसा ना देखे, थोड़ा क्या होता है कि सस्ते के चक्कर में जाएंगे तो थोड़ा सा मच्छी हेल्थी नहीं मिलेगी। अगर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, आप अगर डजन में ले रहे हो तो आपको कम प्राइस में मिल रहा है, एग्जांपल जैसे आपने गप्पी खरीद लिया, आपको 300 रुपये डजन गप्पी ले रहे हो आप, अगर उसकी कंडीशन बैड है, थोड़ी सी खराब है, तो आपको ले जाने के बाद अगर एंडिंग में 4 या 2 ही मच्छी मच्छी बचती है तो आपको समझ लो वो 4 मच्छी 300 रुपये में पड़ेगी, या 2 मच्छी जो एंडिंग की बची रहेंगी 300 रुपये जोड़ी में पड़ेगी। तो आप ध्यान में रखें, 2 पैसा ज्यादा जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है, कंडीशन वाला फिश खरीदे, क्योंकि देखो सामने वाला बंदा जो होता है मेंटेन रखता है मच्छी, तो जरूरी है उसने भी 2 पैसा कमाना है, अच्छा माल बेच रहा है तो भाई 2 पैसा उसका कमाने का भी हक है। तो ध्यान रखें थोड़ा सा मच्छी अच्छा खरीदें। तो आप लोग को बताया था ये इसका जो प्राइस है, मैं आप लोग को बोल दूंगा, ये वाला आपको पेयरिंग में लेके तो 75 इंच में पड़ेगा, इसका साइज मिनिमम 1.25 इंच का साइज है, बड़ा साइज का वीडियो ये। okay. तो आपको 150 पैर पड़ेगा, आप डजन में लेगा तो 600 में डजन में आपको आ जाएगा। और अरे भाई ये प्लांटेड टैंक में हम यूज कर सकते हैं इस फिश को? ये प्लांटेड में चलता है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो थोड़ा सा आप नॉर्मल आपका प्लांटेड तो ग्लोविंग है थोड़ा सा, तो काफी खूबसूरत भी लगता है। विदाउट प्लांटेड में भी आप आर्टिफिशियल प्लांट लगा के भी आप इसको रख सकते हो, जैसे कि इसमें भी अपने प्लांट्स रखे हुए हैं। ये तो लाइव प्लांट्स है, एक्चुअल रेड प्लांट्स थे वो, मैंने इसको फ्लोटिंग में रखा हुआ, ये दिखने में बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन लग रहा है इनका। हाँ ये काफी अच्छी मच्छी है थोड़ी सी। और आरी भाई इसमें भी टेट्रा फिश का कलेक्शन दिख रहा है आपके पास? यहाँ पे टेट्राज में हॉकी है, और चेरीबाप टेट्राज है, पिस्टेला है, रमीनोज है, कार्डिनल है इसके अंदर। ओके, ये सब मिक्स लॉट है मेरे पास, और मेरे पास ताकि कम रहने के वजह से मैं काफी सारी टेट्राज एक साथ में डाल देता हूं। आप ऐसे ही करते हो, मिक्स में रख देते हो? अभी तो इंशाल्लाह थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा आगे, इन फ्यूचर में इंशाल्लाह थोड़ी सी दुकान जो बड़ी आने वाली है उसका इंतजार है, हमें भी इंतजार है, काफी लोगों को भी इंतजार है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, हॉकी टेट्रा लेंगे आप 250 डजन है, चेरी बाप टेट्रा के इसके अंदर 2 साइज है, एक बड़ा साइज है वेलटेल में, एक छोटा साइज है। अगर आप बड़ा साइज लेना चाहते हो वेलटेल में चेरी बाप टेट्रास, तो आपको पड़ जाएगा, उसका प्राइस मैं बता देता हूँ आपको, वेलटेल में चेरी बाप टेट्रा लेंगे तो आपको पड़ जाएगा 500 रुपये डजन, और स्मॉल वाला लेंगे तो आपको 300 रुपये डजन चेरी बाप टेट्रा पड़ेगा। रमिनोस टेट्रा आप लेंगे तो आपको पड़ जाएगा 500 डजन। आप इसके अलावा यहाँ पे पिस्टेला लेंगे 350 रुपये डजन, अल्बिनो पिस्टेला। इसमें कुछ ये दिख रहा है अपना फिश,
ये कार्डिनल है, कार्डिनल रेट्रा। इसका क्या प्राइस है? कार्डिनल का थोड़ा सा साइज बड़ा है तो इसका 600 है डजन है। 600 इधर भी दिख रहा है, ये भी कार्डिनल है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा स्मॉल साइज का कार्डिनल है, थोड़ा सा 550 रुपए डजन में है, थोड़ा साइज छोटा है इसके। हाँ, इसके अंदर अमीनो स्टेट्रा है वो आपको 500 रुपए डजन में आएगा। और इधर में जो है आरी दही है, यहाँ पे नियॉन टेट्रा है, थोड़ा एक्सेल साइज है, बड़ा साइज है, 250 रुपए डजन में आएगा आपको, काफी डजन में मिल जाएगा ना। हाँ, इसके अलावा टैंक के लिए तो बेस्ट है ये नियॉन टेट्रा। अगर आप बिगिनर हो, नया टैंक आपने लिया है, तो आप स्टार्टिंग नियॉन टेट्रा से करें, काफी खूबसूरत मच्छी है। ब्लैक कलर का आपने सॉइल वगैरह डाला या फिर प्लांट्स वगैरह लगाया, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आपने लगाया, तो आप नियॉन टेट्रा डाल सकते हो। इसके अलावा आपको ध्यान यही रखना है कि टेट्रा से तो आप ज्यादा बॉटम पानी चेंज ना करें, 20-30% पानी चेंज करो, हो सके पानी चेंज करने के बाद थोड़ा सा हल्का सा एंटीबायोटिक यूज करें, तो क्या होता है कि मच्छी की थोड़ी सी लाइफ बढ़ जाती है, अगर उनको कुछ फंगल वगैरह इन्फेक्शन हो तो वो भी सब चले जाता है। इसके अलावा आप नीचे बॉटम में देख रहे हो कॉरी कैट फिश है, इसके अंदर स्टर्बी है, ये जो आप देख रहे हो स्टर्बी, इसके अंदर स्टर्बी 175 पर पीस में पड़ेगा आपको, 350 रुपए पैर में पड़ेगा। यस, ग्रीन कॉरी 75 पर पीस पड़ेगा आपको। इसके अलावा यहाँ पे ब्रिस्टल नोज भी है मेरे पास अवेलेबल, यहाँ पे जो चिपका हुआ है यहाँ पे। क्या प्राइस है इसका? आप ब्रिस्टल नोज लेंगे 200 रुपए पर पीस पड़ेगा आपको, वेल टेल ब्रिस्टल नोज है। यस, तो आरी भाई छोटे इसमें भी आपके पास में टेट्रा दिख रहे हैं, ग्लोइंग वाला है। या ये ग्लोविंग विडोज है ये, तो ये आपको छोटा साइज में मिलेगा, 400 फोर डजन में पड़ेगा आपको, 400 डजन। अभी एज इट इज में इसके अंदर येलो कलर का, मैं इंशाल्लाह आज या कल में आप इसके अंदर येलो कलर ऐड हो जाएगा, तो आपको 400 डजन में पड़ रहेगा छोटा साइज का, बहुत ही प्यारा। हाँ, इसके अंदर टाइप्स है, टाइगर विडो है, फ्लोरेसेंट विडो है, पिंक विडो है, येलो कलर इंशाल्लाह आज कल में आ जाएगा, तो आपको ये 400 डजन में पड़ेगा ये। इसके और आरी भाई मॉली फिश का तो बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन लाया इस बार आपने, मॉली डिफरेंट वैरायटीज है। मॉली के अंदर क्या होता है कि काफी लोगों का बोलना है कि मॉली काफी कॉस्टली है, काफी कॉस्टली है, तो मैं आप लोग को बताया था साइज के ऊपर डिपेंड है मॉली। अगर आप छोटा या छोटा एकदम स्मॉल साइज का, 1 इंच का या 1.25 इंच का मॉली लेते हो तो आपको चीपेस्ट रेट में आता है। ये एडल्ट साइज का मॉली है, काफी खूबसूरत है और कंडीशन में है, तो इसका प्राइस आपको 254 डजन पड़ेगा, 250 रुपए। एडल्ट साइज में है, बड़ा है, कंडीशन गुड है, तो अगर स्मॉल साइज लेते हो तो आपको सस्ता पड़ता है। वो स्मॉल साइज बोले तो क्या होता है कि थोड़ा सा नाजुक होता है, कचरा माल जो छोटा माल होता है वो थोड़ा सा कम में आता है, सस्ता आता है, तो हिसाब से उसका प्राइस कम होता है। ये थोड़ा कंडीशन हेल्थी है, थोड़ा अच्छा माल है, तो इसका 250 रुपए डजन है। और ये वाला कौन सा फिश आ रहा है? यहाँ पे मलावी चिकलेट है, अफ्रीकन, 2 इंचेस का साइज है, 75 पर पीस पड़ेगा आपको। इसके अंदर टाइप्स अलग अलग है, इसके अंदर ऑरेंज मॉफ है और येलो बनाना है, इसके अंदर रेड अल्बिनो रेड आइस स्ट्रॉबेरी है, इसके अंदर वीनस है, इसके अंदर ब्लू कुडंगो है, रेड ज्वेल है इसके अंदर, और इसके अंदर मिक्स लॉट है, काफ़ी सारी वैरायटीज है, बाई कलर वगैरह है इसके अंदर, तो काफ़ी सारी मिक्स वैरायटी। 75 ईच में पड़ेगा आपको, अगर डजन लेंगे तो आपको थोड़ा सा कम में पड़ेगा, 850 रुपये डजन पड़ेगा आपको। 75 रुपीज़ ईच में भी आ जाएगा भाई? यस, 75 पर पीस। अगर आप स्मॉल छोटा सा एक नानो सा आप बनाना चाहते हो चिकलेट टैंक सेटअप, तो आपके लिए बेस्ट है, तो आप ये बाय कर सकते हो, काफ़ी ईजी अच्छा है थोड़ा सा। अगर आपने बड़ा टैंक भी रखा है 4 फुट का या 3 फुट का, तो आप चिकलेट लेके उसके अंदर डाल सकते हो। क्या होता है कि एक बार ये चिकलेट आप, मेरा एक बता दे रहा आप लोग को, अगर आप डालना चाहते हो तो इसके अंदर कम से कम एक साथ कंटिन्यू डाल दो, मतलब जैसे एग्जांपल एक डजन डाल या 2 डजन डाल दो एक ही साथ डालो। क्या होता है कि इसका एक बार साइज बड़ा होने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, फिर वो बड़ा साइज का चिकलेट मिलने का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और साइज में प्राइस में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, महंगा पड़ता है। सॉरी भाई, ग्लोइंग ज़ेब्रा का क्या प्राइस है? ये ज़ेब्रा डेनियो बोला जाता है इसको, येलो एंड ग्रीन कलर में, ये 254 डजन पड़ेगा आपको, 250 रुपए डजन में, 250 डजन। यस, और बहुत ही प्यारा सा बड़ा साइज भी है, अच्छा खासा। एक्चुअली ये कंडीशन वाला है, एक आता है इम्पोर्टेड, एक आता है लोकल, मतलब जैसे कि एग्जांपल, तो ये जो है अच्छा क्वालिटी का है, डार्क कलर में आता है, और लोकल में जो होता है कलकत्ता मद्रास से थोड़ा सा लाइट कलर होता है लुक का, और थोड़े से नाजुक होते हैं। ये थोड़ा हेल्थी है, लोकल है ये, मैं आप लोग को बता देता हूँ, थोड़ा हेल्थी फिशेस है, 250 रुपये डजन में आएगा। और इसके अलावा यहाँ पे बाला शाक है, सिल्वर शाक बोला जाता है इसको, SS बोलते शॉर्ट फॉर्म में, बाला शाक सिल्वर शाक बोला जाता है इसको, अलग अलग टाइप्स के नाम है। तो ये वाला स्मॉल साइज का आएगा आपको, 2.5 इंच का साइज है, 2 से 2.5 इंच का साइज है लुक का, तो ये आपको 100 रुपीज़ पैर में आएगा, 100 रुपीज़ में आ जाएगा। Yes, 100। और ये वाला जो है, ये ब्लैक गोस्ट है, ब्लैक गोस्ट 125 ईच में आपको पड़ेगा, इसका साइज रहेगा मिनिमम 2.5 इंच का। सॉरी भाई, गप्पी फिश का भी कलेक्शन है आपके पास में? ये रेड टेक्सिडो गप्पी बोला जाता है इसको, तो ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है, मेल एंड फीमेल दोनों अवेलेबल है इसके अंदर, आप देख सकते हो वीडियोस में। तो आपको ये डजन में लेंगे 250 रुपये डजन है, हाफ डजन लेंगे 150 रुपये में आपको आएगा। ओके, मेल फीमेल है तो ब्रीडिंग पर्पज के लिए भी ले सकते हैं लोग? ये इजीली ब्रीड होती है, नॉर्मल में आप इसको आलमंड लीव्स वगैरह डाल के, या आप उसको थोड़ा सा ग्रीन लिक्विड में डाल के आप इसको इजीली ब्रीड कर सकते हैं। एक बार ध्यान में रखें, अगर आपके गप्पी से तो आलमंड लीव्स डालें ड्राई वाला, अगर आप इसके अंदर येलो लिक्विड भी ऐड कर सकते हैं, एंटीबायोटिक कोई भी टैबलेट वगैरह ऐड करें, थोड़ा सा
हेल्थी। और ध्यान रखिए ये मच्छी का ज़्यादा डीपली पानी चेंज नहीं करना है, गप्पीस का आपको ओनली फॉर 30-40% पानी चेंज करें, ज़्यादा पानी चेंज ना करें, जितना होगा उतना स्टोर पानी यूज़ करो उसको, ज़्यादा नया पानी डालने की वजह से गप्पी का मोर्टिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आरी भाई इसके साइज में आपको जो यहाँ पे अल्बिनो पिराना से मेरे पास, तो अल्बिनो पिराना 175 ईच में पड़ेगा, जाइंट गुरामी लेके 300 रुपये पर पीस पड़ेगा आपको अल्बिनो रेडाइज। इसके अलावा ये नीचे के बॉटम में है रेटल कैटफिश, रेटल कैटफिश आपको 200 रुपये ईच में पड़ेगा, 400 पैर। यस 400 पैर। सॉरी भाई एंजल फिश का भी बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन दिख रहा है आपके पास में। एंजल में प्लेटिनम रेडाइज और अल्बिनो रेडाइज है रेड कैप में, ये वाला आपको 200 रुपये पर पीस पड़ेगा, ये वाला मतलब 400 पैर में। जेड ब्लैक एंजल आपको 200 रुपये पैर में मिलेगा, 200 रुपीज पैर में मिल जाएगा जेड ब्लैक एंजल। ये वाले कौन से? यहाँ पे कोई एंजल है आपको 300 रुपये पैर में मिल जाएगा, 300 पैर में। यस बहुत ही प्यारा है दिख रहा है। रेड कैप कोई एंजल इसको बोला जाता है, तो इसके अंदर स्कार का बॉडी होता है, ऊपर से रेड कैप होता है थोड़ा सा, तो इसको कोई एंजल बोला जाता है। ये कितने में मिल जाता है? 300 रुपये जोड़ी में, 300 रुपीज। यस ईच पैर जोड़ी पैर। ये कोई एंजल है, थोड़ा सा मेरे पास 2 पीस समथिंग बचा हुआ है, तो इसका प्राइस बताया था आप लोग को 80 रुपीज पैर में आपको आ जाएगा, ये 80 रुपये जोड़ी। और ये वाला जो है आरी भाई ये कौन सा फिश है? ये वाला मोनोक्लस पिकॉक बास है, आपको साइज इसका रहेगा मिनिमम 3 इंच साइज है लोग का, तो आपको ये 350 इंच में पड़ेगा, 350 रुपये पर पीस में, मोनोकुलस पिकॉक बास। ओके 350 रुपीज इंच तो आरी भाई आपके पास में प्लांट भी है, एक्वेरियम एक्वेटिक प्लांट्स भी है, तो इनके क्या प्राइजेस है? ये डिपेंड ऑन द वैरायटी भाई, 100 रुपये से लेके मेरे पास 200 रुपये तक का प्लांट्स है। और आजकल काफ़ी सारी वैरायटी, मतलब जैसे कि एग्जांपल अभी पॉट वाले प्लांट्स आ चुके हैं जिसमें 4-5 कांडी लगी हुई रहती, तो मैं आप लोग को बता दूँ कि वो जो प्लांट्स जो आप लेते हो पॉट वाले, तो वो एक्चुअल नॉर्मल रहते नहीं है। आपके शार्क दिख रहे हैं, छोटे साइज लोगों को चाहिए होते हैं, तो आपने लाया हुआ इस बार? स्टार्टिंग में जो भी मच्छी रखता है, स्टार्टिंग में बिगिनर उसके लिए, तो स्टार्टिंग के लिए विदाउट ऑक्सीजन के लिए ये मच्छी होती है, जैसे कि काफ़ी लोगों का लाइट वाइट जाने का प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए तो ये आपको ब्लैक शार्क लेके 60 रुपीज़ का पैर है, अल्बिनो लेके 70 रुपीज़ का पैर है। रानी भाई यहाँ पे सिल्वर शार्क का कलेक्शन दिख रहा है आपके पास में? ये सिल्वर शार्क है, मिनिमम 5 इंच 6 इंच का साइज है ये, तो ये आपको 150 इंच में आएगा, 300 पैर में। इसके अलावा मेरे पास टिम्फॉइज भी है बड़ा साइज का, बिगर साइज का, ये भी आपको 300 रुपये पैर में आ जाएगा, 300 रुपीज़ पैर। यस सकर बोला जाता है जिसको, काफ़ी अच्छा मच्छी है, आप रख सकते हैं इसको, बट इसका एक ध्यान रखें, इसको खाना डालना ज़रूरी है, तो आप लोग को इसका प्राइस बता देता हूँ, ये मिनिमम 3 इंच प्लस है साइज इसका, 80 रुपीज़ का पैर में आएगा। स्मॉल साइज का लेंगे, छोटा 2 इंच का साइज में लेंगे, छोटा नानो वाला, तो आपको 60 रुपये पैर में आएगा। तो इसके अंदर में ये कौन सा फिश है भाई? ये किसिंग गुरामी है। इसका क्या प्राइस है? किसिंग गुरामी सिंगल पीस पड़ा हुआ है, 50 रुपये पीस में आ जाएगा। ये है गुरामी, इसमें टाइप्स होती है काफ़ी सारी, तो उसमें की एक टाइप से ये पल गुरामी, तो आपको ये पड़ेगा 100 रुपीज़ का पैर, 100 रुपीज़ पैर में आ जाएगा ना। सॉरी भाई हमेशा की तरह इस बार भी बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन लाया आपने, और आपके जो बायर्स है उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? मैं एक ही बात बोलूँगा आप लोगों को, सिर्फ जब भी आप मच्छी खरीदते हो, अगर किधर भी बाई करते हो, आप कोई भी मार्केट में जाओ, कहाँ भी जाओ, कोई भी शॉप पे जाओ, तो सबसे पहले ध्यान रखें कि मच्छी कंडीशन कैसी है वो देख के ले। भाई हमारा जो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू वो कितना होना चाहिए? मिनिमम अगर ऑर्डर वैल्यू मेरी कम से कम 3-4 हज़ार रुपये की होना चाहिए। क्या होता है कि काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ जाता है एक मच्छी दो मच्छी के चक्कर में, तो ध्यान में रखें अगर मच्छी क्वांटिटी जितना भी आप बढ़ाएंगे आपका ट्रांसपोर्टेशन वही मच्छी के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल 700 या 600 रुपये या 500 रुपये लगता है, आप जितना मच्छी लेंगे वो हिसाब से आपका मच्छी के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन डिवाइड हो जाएगा। ले रहा हूँ तो मुझे 750 रुपीज़ जो है वो शिपिंग चार्जेस लगेगी, होगा ऑर्डर 3750 रुपीज़। यस सो थैंक यू आरी भाई, बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन था और बहुत ही अच्छे प्राइजेस थे, तो आई होप कि हमारे जो व्यूवर्स है उनको अच्छा लगा होगा हमारा आज का वीडियो, और आपके यहाँ पे बाय करने के लिए भी आएंगे, अदरवाइज अगर उनको लगता है तो कॉल करके आपको वो ऑर्डर भी दे सकते हैं। थैंक यू आरी भाई, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय, अल्लाह। ऊपर में जो सर्कल दिया है उस पर क्लिक कीजिए और फिशेस एंड प्लांट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।